हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सुल्ताना टेक में। मैं हूं नजरुल। मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में कहीं फंसे हुए हैं इस लॉकडाउन की वजह से, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ये सेवा सिर्फ बिहार के निवासियों के लिए जो सीमांचल एरिया में पड़ता है, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज। चलो वीडियो में चलते हैं। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम में जाना है और सर्च बार में टाइप करना है www.peopleofhope.org.in। उसके बाद जैसे आप टाइप कर देंगे, नीचे गो का ऑप्शन होगा, यहाँ पे गो में क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे, आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। ये एक एनजीओ का एनजीओ वेबसाइट है जो कि सीमांचल एरिया जो हम लोग को पड़ता है, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, उस एरिया से एनजीओ वेबसाइट है। उसके ज़रिए आपका जो रिकॉर्ड जो भी लेंगे, ये सरकार तो पहुँचाएगी आपको अपने घर तक पहुँचाने के लिए। आप देख सकते हैं एनजीओ का मोबाइल नंबर दिया हुआ है यहाँ पे 9871023184। मेल आईडी है peopleofhope123@gmail.com। वेबसाइट है www.peopleofhope.in। ठीक है, आप देख सकते हैं नीचे में है, वो नीचे आ जाना है। अब दिल्ली से मगध जाने के लिए इच्छुक साथी इस फॉर्म को भरें। मतलब प्रवासी मजदूर जो बिहार से दिल्ली आए हुए हैं, या वो कोई स्टूडेंट जो पढ़ने के लिए आए, या फिर अन्य जो भी घूमने के लिए आए थे, ये वो उसके लिए है। दिल्ली से मगध जाने के लिए आपको इस लिंक में यहाँ क्लिक करना है, ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा रहा आपका ये दूसरा लिंक, दिल्ली से सीमांचल जाने के लिए ये फॉर्म। मतलब दिल्ली से जो सीमांचल है, जैसे कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया जाना, इसको जाना का इच्छुक है, वो इस यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ गया हमारे सामने में, दिल्ली से सीमांचल जाने के लिए फॉर्म। तो आपको इस यहाँ जो दिख रहा है क्लिक ही, यहाँ क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक गूगल फॉर्म खोल के आ जाएगा। ये गूगल फॉर्म एनजीओ द्वारा बनाया गया है, www.peopleofhope.in। थोड़ा टाइम लगता है ओपन होने में, तब तक आप लोग वेट कर लीजिए। आप देख सकते हैं ये फॉर्म खुल चुका है। ये फॉर्म उन्हीं के लिए जो दिल्ली एनसीआर में फंसे हुए हैं, बिहार के निवासी, सीमांचल एरिया के। अब ऊपर दिल्ली एनसीआर से सीमांचल जाने के लिए फॉर्म भरे, जैसे ऊपर लिखा हुआ है सब। उसके बाद कौन किसने किया है फॉर्म को, मतलब डिज़ाइन किया है, बाय पीपल ऑफ होप, मतलब एक एनजीओ है बिहार का। उसको मोबाइल नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, वेबसाइट है, और आपका डिटेल, ये जो आप देखते हैं यहाँ पे डिटेल से लिखा हुआ है, हम आपका डिटेल्स बिहार सरकार को भेजेंगे। ये डिटेल आपको बिहार सरकार को भेजेंगे लोग। आप देख सकते हैं यहाँ से आपको पूरा नाम मांगेगा, जो भी आपका नाम है आपको यहाँ डाल देना है, आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, जो आपका मोबाइल नंबर है। उसके बाद आप यहाँ किस जगह रह रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, जो दिल्ली में दिल्ली का हो गया, जो यूपी में रह रहा है नोएडा में, वो यहाँ पे लिख देना है, पूरा एड्रेस ऊपर नीचे लिख देना है दिल्ली एनसीआर। उसके बाद आपका गांव का है, बिहार का पता डालना है, जो गांव, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दो डॉक्यूमेंट्स, किसी एक नंबर डाल देना है, आधार नंबर या फिर इलेक्शन कार्ड नंबर। उसके बाद आपसे लास्ट में पूछेंगे आप कैसे जाना पसंद करेंगे, वाहन का इंतजाम खुद करें, मतलब आप खुद अपने सवारी से जाएंगे, या फिर सरकारी सवारी का किराया देकर, या सरकारी सवारी में किराया देकर जाएंगे, या पूर्णतः सरकारी सहयोग से। आपको जो ऑप्शन अच्छा लगा, हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप पूर्णतः सरकारी सहयोग से जाएं, ताकि सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाद नीचे कुछ भी लिख सकते हैं, अपने हिसाब जो आपके मन में होगा सरकार को भेजने के लिए, आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछेंगे डिस्ट्रिक्ट पैटर्न, मतलब जिला संरक्षण क्या है आपका। जैसे अगर आप हो एरिया अररिया के हैं तो श्री हैदर यासीन है,
किशनगंज के लिए श्री डॉक्टर अबू सयाम है और पूर्णिया के लिए श्री इंतकाब आलम है और कटिहार के लिए श्री आदिल हसन आज़ाद है। ठीक है, चलो हम फॉर्म को भरते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे फॉर्म भरा जाता है। सबसे पहले आपको अपना यह नाम भरना है, जैसे हमारा नाम MD सोहेल है, सोहेल भर देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर जो आपका है, उसके बाद आपका दिल्ली का एड्रेस, जो आप एड्रेस में रह रहे हैं, जैसे ये रह रहे हैं अमीनाबाद सेक्टर 1 विश्रक जी बी नगर UP, एरिया पिन कोड है। उसके बाद आपका गांव का जो एड्रेस है वो आपको यहाँ डाल देना है, लिखा हुआ विलेज प्लस ब्लॉक प्लस डिस्ट्रिक्ट डालना है। तो विलेज हो गया आपका बीरनगर, पोस्ट महिसाल, ब्लॉक बलरामपुर, डिस्ट्रिक्ट कटिहार। उसके अपना अपना आधार नंबर या वोटर कार्ड नंबर डाल देना है, जिसको इलेक्शन कार्ड का नंबर कहते हैं, 88 31। उसके बाद कैसे, मतलब ये तो भर दिया, उसके बाद लिखा हुआ आप कैसे जाना पसंद करेंगे, वाहन का इंतजाम खुद कर लेंगे, तो सबसे बेस्ट आपको हम यही सलाह देंगे कि आप पूर्णतः सरकारी सेवक से जाए ताकि सेफ और सुरक्षित रहेंगे। आपको जो भी अगर है ये डाल सकते हैं, कोई अन्य टिप्पणी एनी अदर कमेंट तो हमें नहीं डालना, कोई धीरे नहीं, हम लोग कटिहार हैं, तो कटिहार में क्लिक कर देना है और सबमिट पेज में यहाँ जो सबमिट है यहाँ पर क्लिक कर देना है। देख सकते हैं आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, लिखा हुआ है योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, आपका जो जितने भी डाटा दिया आपने रिकॉर्ड हो चुका है, ये डाटा आप बिहार सरकार को भेजेंगे NGO वाले। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।